देव वो को कुछ नहीं था, आप तो भावुक हमको हो गए, खाने तक का नहीं था। देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है भावुक हो रहे हैं भक्त। किसी से चीनी मांगते थे, किसी से चाय पत्ती, किसी से दूध। हमारे यजमान का एक बहुत बड़ा कार्य रुका था, उन्होंने कहा, उनका कार्य महादेव को मैंने कहा, उनके नाम से एक दिन मैंने पूरा दंड दिया, तो उनका कार्य कर दिया महादेव ने। वो बहुत अफसर, बड़े अफसर हैं उत्तर प्रदेश में, वो हमको बासुकीनाथ में कार गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये महादेव कार दे रहे हैं जी, ये महादेव दे रहे हैं, है कि आशीर्वाद देते हैं कि महादेव बाबा बैद्यनाथ बाबा बासुकीनाथ आप ऊंचे पद तक पत्रकार के क्षेत्र में जाए और नाम यश हो और सच्ची बात जरूर लिखे अपने धर्म के बारे में। मेरा दिन में भोजन मेरा जो है सो 11 बेलपत्र है, दूर्वा है और पपीते का पत्ता है। भोजन में दिन का मेरा यही है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आज दोस्तों देख पा रहे एक डांडी यात्री जो है आगे जा रहे हैं और कांवरिया पथ पर टंकेश्वर और सुइया के बीच का कांवरिया पथ है और चलते हैं, कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। हर हर महादेव जी। हर हर बोले। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ जी। तो मेरा ग्राम धनकुंडा है, नगवाई के पास, संग्रामपुर धनकुंडा थाना जी। अच्छा जी। अच्छा, ऐसे तो आप जो है यात्रा कब शुरू किए थे? मैं यात्रा 22 फरवरी को शुरू किया था। अच्छा। 10:35 से, तो गंगा घाट से आज यहाँ तक आने में लगभग कितना दिन हो गया? 23 दिन हो गया। अच्छा, तो अभी जो है यात्रा जो है अभी आप डांडी में ही चलते आ रहे हैं? जी जी, डांडी में आ रहे हैं और मेरा दिन में भोजन मेरा जो है सो 11 बेलपत्र है, दूर्वा है और पपीते का पत्ता है। भोजन में दिन का मेरा यही है। तो यात्रा जो है आप दिन भर ही करते हैं कि रात रात में भी करते हैं? मैंने कभी काल दांडी यात्रा के लिए हमको टॉर से कुछ दूर जाना पड़ा, जैसे दांडी यात्रा है रास्ते में जंगल है। अच्छा, तो मतलब जहाँ जरूरत पड़ा तो वहाँ पे रहने की नहीं है व्यवस्था, सुविधा के अनुसार मैं थोड़ा सा समय ले लेता हूँ महादेव से मांग के। जी, तो अभी जो है यात्रा में जो है कांवरिया भक्त जाते हैं, जो कांवर लेके लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे पत्रकार बंधु से और सरकार से आप आगे निवेदन करेंगे पत्र के माध्यम से या अपने समाचार के माध्यम से कि इस रास्ते में पेड़ की बहुत कमी है। पेड़ मतलब बहुत पेड़ कम है। नहीं है, पेड़ नहीं है। वन विभाग से हम आग्रह करते हैं आपके द्वारा कि इसमें पेड़ लगा है, कहाँ कहाँ पेड़ नहीं है, जैसे गोविंदपुर से लेके कुमरसार तक पेड़ नहीं है दोनों तरफ जो मतलब पेड़ के जो है वन विभाग की तरफ से लगना चाहिए और लगाया भी जा रहा है? नहीं लगाया जा रहा है अभी, नहीं है कहीं, नहीं एक भी वृक्ष नहीं है। जहाँ जहाँ लगाया गया था वो तो तैयार है जी, तैयार है, लेकिन और मतलब कह सकते हैं कि बाबा धाम के रास्ते में सभी जगह उपलब्ध नहीं है। नहीं है सब, बहुत जगह नहीं है जी। और ये आपका दांडी यात्रा जो है कौवा दह में जी, वहाँ से लेके ये अभी जो हमारा आगे चल रहा है इसमें भी नहीं है आपका, इस जगह भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जैसे कि पद पूरा खाली दिख रहा है, जैसे कि बता रहे थे कि ये रास्ते में देख रहे हैं कहीं पेड़ जो है अभी दोनों तरफ किनारे किनारे जो लगा हुआ देखने को मिलता है यहाँ पर नहीं है। और अभी जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, परेशानी है जी, बहुत जगह नल भी नहीं है। और अभी जो है पीने योग्य जो पानी होता है तो उसका जो है नल हर जगह मिल पाता है? नहीं, हर जगह नहीं है, दूरी दूरी पर है, कहीं कहीं जैसे लगाया गया है, कहीं खोला गया उसका, हाँ जहाँ पे जैसे वन क्षेत्र है वहाँ पे खोल लिया गया, जैसे कि कोई चोरी करके ले जाते हैं खोल के ले जाते हैं। मैंने जो है सो दिक्कत तो है, बहुत परेशानी है जी। और आप जो है अपने जीवन में यात्रा कब से करते चले आ रहे सुल्तान से बाबा धाम? 25 साल कांवर लेके गया, देवघर से सुल्तानगंज से देवघर से बासुकीनाथ जी, और वहाँ भी 5 साल गया। मैं भादो के एकादशी तिथि को जल भरा था। अच्छा। त्रयोदशी को मैंने देवघर में जल चढ़ाया, महादेव को मैंने कहा कि मेरे दो पुत्र का सर्विस दे दीजिए महादेव। मेरा दो लड़के को साहबगंज में वो पोस्टिंग कर दिए, एक रेलवे में पोस्टिंग है और एक SDM कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर दिया। तो महादेव ने ये हमको मतलब गिफ्ट दिया। महादेव जो है पुकार सुन लेते जी, वहाँ बहुत खूब ये अंतरात्मा से सुनिए और उनको पुकार अपने दिल में रखिए। एक दूसरी बात, हमारे यजमान का एक बहुत बड़ा कार्य रुका था, उन्होंने कहा, उनका कार्य महादेव को मैंने कहा, उनके नाम से एक दिन मैंने पूरा दंड दिया, तो उनका कार्य कर दिया महादेव ने। वो बहुत अफसर, बड़े अफसर हैं उत्तर प्रदेश में, वो हमको बासुकीनाथ में कार गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये महादेव कार दे रहे हैं जी, ये महादेव दे रहे हैं। देख पा रहे हैं किस प्रकार महादेव की भक्ति में कितना दम और चमत्कार देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि जो है महादेव को कुछ नहीं था, आप तो भावुक हो गए।
जाने तक का नहीं था। देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है भावुक हो रहे हैं भक्त। किसी से चीनी मांगते थे, किसी से चाय पत्ती, किसी से दूध। ये मैं गोड्डा में जीवन यापन किया, महादेव को कहा मैं सात बार दादा ज्योतिर्लिंग, दो बार अमरनाथ की यात्रा कर चुका हूँ 2018-2019। अमरनाथ और क्या बोले? अमरनाथ बर्फानी बाबा। अरे क्या और बोले? सात बार द्वादश ज्योतिर्लिंग, पूरे देश में जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग जी 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 कर चुके हैं। जी 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 तो कैसा लग रहा है और महादेव की भक्ति लग रहा है कि हर व्यक्ति को महादेव पर पूर्ण आस्था होके चलिए और महादेव पूर्ण करते हैं, बसरते आत्मा के साथ उनका पुकार करिए और वो सुनते हैं और सब कुछ देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भक्त जो है महादेव को रिझाने का प्रयास करे, प्रयास करें जी, वो स्वार्थ बस नहीं जी, स्वार्थ विश्वास। और एक चीज मैं कहना चाहूँ, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, श्री श्री 1008 त्रिभुवनपुर जी महाराज जी। जो बेलहर में भी उनकी ठाकुरबाड़ी में कथा हो चुकी है। अच्छा। अपने क्षेत्र के नागा संत हैं, उन्होंने कहा था मुझे कि तुम एक बार महादेव से मांगो। क्यों मांगते क्यों नहीं हो जी, तुमको घमंड हो गया है, एक बार मांग के देखो। अच्छा। और गुरु का वचन महादेव ने सत्य कर दिया जी। उन्होंने हमको लिखा कि वो कलकत्ता में बड़ा बाजार में उनका आश्रम है पुरी जी महाराज का जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सब कामना पूर्ण होगी जी। और बड़ी कठिन तपस्या, महान तपस्या है ये तो देखते हैं, सब कुछ छिल गया है जी, चलते चलते जी, ये सारा सब छिला हुआ, पैर फट गया पूरा। ये तो महादेव की भक्ति है, भक्ति में तो ऐसा होता ही है जी जी। और महादेव सब कुछ दे दिए जी, और आप आए और आपने मेरा। अच्छा, अभी आप कैसा सोच रहे, जैसे कि अभी बता रहे थे कि कोई मीडिया या पत्रकार के बारे में सोच रहे थे। मैं सोच रहा था वहीं से कि कोई पत्रकार बंधु नहीं आए, उनको मैं कुछ कहना चाहता था कि सरकार को आग्रह करे कि अब तो भाजपा की सरकार है और मैं उनसे आग्रह मैं भी करता हूँ, मैं यहाँ का वासी हूँ, कि इस दोनों क्षेत्र में पूरा जंगल की जरा पेड़ लगा दे और व्यवस्था दे, हर समय दांडी यात्रा चल रही है। तो इसमें भी सोच सकते हैं ना, कहीं 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 ना कहीं महादेव का ही संकेत होगा जो कि हम भी आ गए और आपकी जी आप आ गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव करे कि आप इसी तरह देवगढ़ बासुकीनाथ तक ये न्यूज सरकार को दें, क्योंकि आज हम भी आना नहीं चाह रहे थे लेकिन हम भी आ चुके हैं। हो सकता है महादेव की कृपा, मैंने सोचा महादेव, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा कई बार संकेत मिल चुका है और हो भी चुका है, इसलिए हमें भी जो है प्रतीत होने लगा है जी, इसलिए जी। आप जो बताए कहीं ना कहीं सच्चाई है कि महादेव, आशीर्वाद देते हैं कि महादेव बाबा बैद्यनाथ बाबा बासुकीनाथ आप ऊंचे पद तक पत्रकार के क्षेत्र में जाए और नाम यश हो और सच्ची बात जरूर लिखे अपने धर्म के। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है इस रास्ते में लगे ही रहते हैं, सालों भर सेवा में रहते हैं। ये तो आ गया आज, मैं आप महादेव की कृपा, मैं दो तीन दिन से कोई आए नहीं और हमारा गोड्डा में निकल रहा है, मैं वहीं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ और सारे मैं या... तो एडवोकेट किस जिले में, किन कौन से कोर्ट में? गोड्डा सिविल कोर्ट में मैं एडवोकेट। अच्छा, गोड्डा में ही है जी, वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं, वहीं अपना जीवन यापन। आपका जो है निवास स्थान? निवास स्थान धनकुंडा, संग्रामपुर थाना मुंगेर जिला। चलिए, और भी कुछ कहना चाहते हैं आने वाले भक्तों के लिए? जैसे अभी अगर आना चाहे भक्तों को कहेंगे, जो भी हमारे हिंदू समाज के पूरे देश के लोग महादेव से दिल से कहें वो पूरा 100 से ऊपर कर देते हैं, एकदम भर देते हैं भंडार जी। और हमें बासुकीनाथ की यात्रा करनी है। अच्छा, चाहे जब मैं 90 दिन महादेव को दे दिया है, दंडवत ही जी। अच्छा, और मैं महादेव को 90 दिन दे दिया है और मेरा कल से मौन हो जाएगा व्रत। कल से मौन व्रत, फिर आपका जो है सो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। कल से मौन व्रत, हरनिस मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका जो मौन व्रत रहेगा कल से, हाँ, तो वो जो है यात्रा के वक्त रहेगा या फिर हर समय रहेगा? नहीं, यात्रा के वक्त रहेगा। यात्रा के वक्त, और विश्राम में बोल सकते हैं? विश्राम में, रात्रि में जो है आरती करने के बाद जी। तो देख पा रहे हैं, और जैसे कि अभी रुकने ठहरने की जो होती है भक्तों की, जैसे कि जानकारी रहती है, प्रश्न रहता है, प्रश्न रहता है कि हमारा सरकार से कहना है या अपने समाज में बहुत लोग धनी मनी जो करोड़पति अरबपति है उनके से, उनसे भी मेरा यह आग्रह होगा, उनसे मेरी प्रार्थना होगी कि महादेव के भक्त के लिए, वो महादेव भक्त है, वो जो भी इसमें जा रहा है सब महादेव है जी, टोटल जी। आप भी महादेव के रूप में आज हमसे ये पत्रकारिता के लिए आपसे पूछना है, मेरा मन में सवाल था कि कोई आवे मैं उनको कहूँ, तो वृक्ष नहीं है और हर 3 किलोमीटर पर दांडी का रहने का आश्रम हो। हर 3 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर हो तो ऐसे जो है अभी रुकने के लिए मिल पाता है? मिल पाता है, दूर दूर पर है। अच्छा, दूर दूर पर मिलता है जी 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 जी, जी। तो बिल्कुल हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगा, धीरे धीरे होता भी जा रहा है। और जैसे रात में रुकने ठहरने के लिए
उत्तम व्यवस्था मिल पाता है दुकान में या धर्मशाला में? धर्मशाला तो अभी नहीं है कहीं, एक सिर्फ मनिया धर्मशाला में जी बहुत व्यस्त व्यवस्था थी, कुमरसार में कुछ नहीं मिला। मनिया का सरकारी धर्मशाला? सरकारी धर्मशाला, अच्छा, सिर्फ सब वही एक। और आपका ना कुमरसार में सही है और ना जिलेबिया मोर में सही है, वहाँ सोने लाल यादव जी के डांडी आश्रम में रहते, बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिलेबिया में, जिलेबिया मोर जी वहाँ पे। कौवा दा के दंडी आश्रम में ठहरा हूँ, आज तीसरा रात्रि वहाँ मेरा बीतेगा, अब आगे जहाँ होगी वहाँ मेरा रुकना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव सबका कल्याण करे, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कष्ट, सबका कल्याण करो महादेव, विश्व का कल्याण करो, आपका भी कल्याण कर कल्याण हो। पत्रकार महोदय आपसे मेरा यही प्रार्थना है, सरकार को लिखिए। हर हर महादेव जी जी। देख पा रहे किस प्रकार डांडी यात्री ने पूरी जानकारी दी कांवरिया पथ का, और जो जी भी हुआ उनके साथ सारी जानकारी मिली, और लगातार इसी प्रकार देख रहे हैं चलते जा रहे हैं। और अभी जो देख पा रहे हैं कि धूप काफ़ी तेज लग भी रहा है, लेकिन फिर भी जो है भक्त जो है ना तो बहुत ज़िद्दी होते हैं, और महादेव के भक्त होते ही ज़िद्दी, जो कि लगातार देख पा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और इसी प्रकार यात्रा को चलते जाएंगे और संपूर्ण यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, आप सभी भक्तों को कांवरिया पथ से।